hello everyone welcome to my youtube channel in today's video we are going to talk about basics of set theory so what is a set what are the different operations related to set i'm sure you must have studied it in your class 12 mathematics uh, subject but just to brush up your concepts we will talk about the basic things jo bhi basic pata honi chahe. In the previous lecture, we talked about other basic concepts like uh, inequality, proofs, etc. So, if you're interested in watching that, please do check them out. And uh, I hope uh, uh, you like the uh, kind of videos that I'm making. And if you like it, kindly uh, like, share, and subscribe uh, to the video and my channel uh, so that I can keep making such videos in the future. So, thank you so much, and let's get started into the video.

कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये नंबर्स भी हो सकते हैं वर्ड्स हो सकते हैं आइटम्स हो सकते हैं एनी कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट ठीक है चलो एंड द ऑब्जेक्ट्स जो भी मेंबर होते हैं सेट के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स एलिमेंट्स स्लैश मेंबर्स ऑफ द सेट

सो सेट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेट का पार्ट हैं उन्हें हम लोग मेंबर्स बोलते हैं ठीक है ऑलराइट अब मेरे पास कोई भी दो सेट्स हैं लेट्स से ए एंड बी ये दो सेट एग्जैक्टली इक्वल हैं ये मैं कब बोल पाऊंगी व्हेन विल आई बी एबल टू से दैट सेट ए एंड सेट बी आर एग्जैक्टली द सेम सो इक्वल टू बी आप तब बोल पाएंगे जब ए के सारे के सारे मेंबर्स बी में हो और बी के सारे के सारे मेंबर्स ए में हो सो so बेसिकली इनके जो भी मेंबर्स हैं इनके जो भी एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली exactly अगर सेम है तो हम बोल पाएंगे दैट सेट एंड सेट बी आर एग्जैक्टली इक्वल ठीक है सो हरेक एलिमेंट ऑफ ए एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एलिमेंट ऑफ ए शुड बी एन एलिमेंट ऑफ बी तो जो जो ऑब्जेक्ट हैं ए में सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ ए बी में होने चाहिए एंड सिमिलरली एवरी एलिमेंट ऑफ बी शुड बी एन एलिमेंट ऑफ ए सो सेम चीज दोनों सेट्स के लिए हमारे पास अप्लाई होनी चाहिए ओके दिस इज द कंडीशन सो so सपोज मेरे पास एक सेट है ए विच इज वन कॉमा टू कॉमा थ्री एंड आई ओके जब भी हम लोग सेट्स लिखते हैं सेट्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है सो so चाहे आप वन टू थ्री लिख दो थ्री टू वन लिख दो या टू वन थ्री कुछ भी किसी भी ऑर्डर से आप लिख सकते हो इट डजेंट मैटर सो ऑर्डर ऑर्डरिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेट्स तो क्या मैं सेट ए और सेट बी को इक्वल बोल पाऊंगी सो so, मैंने देखा कि मेरा एक एलिमेंट है ए एक एलिमेंट है ए में वन सो so, क्या ये वन है सेट बी में यस yes, बी में है मैंने देखा टू ये मेरा सेट uh, ए में है क्या ये मेरा सेट बी में भी है यस सेम गोज विथ थ्री ये भी है सो so, ए के सारे के सारे एलिमेंट्स बी में हैं अब मैं मुझे ये भी चेक करना है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं क्या सो थ्री इज इन ए टू इज ऑल्सो इन ए एंड वन इज ऑल्सो इन ए सो ए के सारे एलिमेंट्स बी में बी के सारे एलिमेंट्स ए में जब ये कंडीशन पूरी हो तो देन सेट ए एंड सेट बी आर द सेम और यहाँ तो हम क्लियरली देख सकते हैं सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल क्योंकि वो एग्जैक्टली exactly सेम ही सेट है और वही होगा ठीक है वेन एवर डू टू सेट्स आर इक्वल जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे दे विल एग्जैक्टली बी द सेम ठीक है सो so, हम लोग uh, कई तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैंने अगर लिख दिया सेट ए इक्वल्स टू वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से भी लिख सकते हैं uh, सारे ऑब्जेक्ट्स को इलेबरेट करके बट कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखो सो so, उस केस में हम लोग क्या करते हैं सेट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर देते हैं एंड दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट सेट ओके सो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखना है ठीक है so I will say A is a set of natural numbers. so what is the property? Uh, so A is any member x such that such that x is a natural number. ठीक है। so हमें सबसे पहले uh, जब भी कोई property specify करनी है तो हमें क्या लिखना है? so जो भी मेरा set होगा उसके लिए let's say set S है। उसका typical member जो है टिपिकल मेंबर जो है जो भी उस सेट का मेंबर है, वो किस तरीके से दिखना चाहिए सो so, यहाँ पे हमने देखा उसका मेंबर है एक्स और एक्स की क्या प्रॉपर्टी है फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सेट ठीक है सो लेट से मेरे पास दो प्रोडक्ट्स हैं uh, मेरे जो दो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं एक्स एंड वाई ठीक है एक्स, एक्स प्रोडक्ट का प्राइस है पी और y प्रोडक्ट का प्राइस है q ठीक है सो so, अगर आप x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट खरीदते हो सो लेट्स से दिस इज प्रोडक्ट वन दिस इज प्रोडक्ट टू आपने प्रोडक्ट वन जो है x यूनिट्स खरीदा प्रोडक्ट टू है जो y यूनिट्स खरीदा और p इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट वन एंड q इज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू तो आपने ये दोनों चीजें खरीदने में कितना पैसा खर्च कर दिया सो so, सबसे पहले आपने एक्स यूनिट्स खरीदा प्राइस पी पे तो पी एक्स आपने खर्चा किया प्रोडक्ट वन खरीदने में प्लस आपने क्यू प्राइस पे वाई यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट टू खरीदा तो ये आपने खर्चा कर दिया प्रोडक्ट प्रोडक्ट टू खरीदने में ठीक है सो टोटल खर्चा आपने किया पी एक्स प्लस क्यूवाई राइट और सपोज आपकी इनकम है एम इनकम जो है इनकम सपोज आपकी है एम सो so, आप टोटल जो खर्चा कर रहे हो पी एक्स प्लस क्यूवाई दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम राइट दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम सो दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक्स में दिस इज कॉल्ड बजट कंस्ट्रेट ठीक है बजट सेट ये सेट के अंदर अंदर रहते ही आपको खर्चे करने हैं ठीक है सो यूजली so हम लोग ये एक बजट सेट होता है इकोनॉमिक्स में इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट एंड टर्म सो हमें क्या चाहिए हम अब हमारे पास काफी सारे कंडीशन है उसको हमें सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि मेरा जो प्रोडक्ट एक्स में खरीद रही हूँ कोई भी प्रोडक्ट में नेगेटिव अमाउंट में नहीं खरीद सकती राइट सो दिस प्रोडक्ट दैट आई परचेज शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ बी ग्रेटर टू जीरो राइट एंड आई एम लिमिटेड बाय दिस पर्टिकुलर कंडीशन कि मेरी जो इनकम है उससे ज्यादा मेरे खर्चे नहीं होने चाहिए राइट right? So, अगर मैं इस सेट को मेरा बजट सेट की मैं अपनी इनकम का यूज करके कितना खर्चा कर सकती हूँ इस बजट सेट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है सेट फॉर्म में तो मैं कैसे लिखूंगी ए, आ, एस इज वॉट सो so, मैं बेसिकली इस सेट का कोई भी एक मेंबर किस तरीके का होगा एक एक्स होगा और एक वाई होगा राइट सो so, इसको मैं कैसे स्पेसिफाई कर रही हूँ एक एक्स और वाई का एक ऑर्डर्ड पेयर होगा ठीक है ये उसके जनरल मेंबर है अब इन ये जो जनरल मेंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी व्हाट आर दी शुड फॉलो कि एक तो आपका जो टोटल खर्चा है पी एक्स प्लस क्यू बी लेस देन इक्वल टू योर टोटल इनकम एंड दो कंडीशंस और हैं दैट एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिस बिकम्स योर बजट सेट देयर इज अ स्पेशल नेम इन इकोनॉमिक्स फॉर दिस दिस इज कॉल्ड बजट सेट बजट

और अगर वन इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए मान लो है एक नंबर है फोर फोर इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए देन आई विल राइट इट लाइक दिस दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए ठीक है तो ये रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ओके ऑल राइट अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है सबसेट का विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो लेट्स सी वॉट इज इट सो द कॉन्सेप्ट इज ऑफ सबसेट ठीक है सबसेट क्या होता है सो so, मान लीजिए मेरे पास दो सेट हैं ए एंड बी ये मेरे पास दो सेट्स हैं ठीक है थीके? मैं बोलूंगी कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ इट इज ट्रू दैट एवरी मेंबर ऑफ ए एवरी मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो में तो ए और बी मेरे पास दो सेट है मैं बोलूंगी दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ इट इज ट्रू दैट ए का हर एक मेंबर बी का भी मेम्बर है ठीक है जो भी मेम्बर ए में है वो सारे के सारे बी में होने चाहिए ठीक है तब आई कैन से इज अबसेट ऑफ बी ओके इन दैट केस आई कैन से दैट सो so, इसको लिखने का तरीका क्या है आई विल से दैट ए इज सेट ऑफ बी दिस इज द साइन फॉर सबसेट सबसेट ठीक है सबसे इज अ सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ अगर ये जो एक मेंबर है एक्स अगर ये ए में बिलोंग करता है मतलब एक्स इज अ मेंबर ऑफ बी इसका क्या मतलब होना चाहिए कि एक्स जो है बी में भी होना चाहिए सो so, ये जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखी है इसको मैथमेटिकली लिखने का ये तरीका है कि मैं बोलूंगी ए इज अ A का मेंबर है का भी मेंबर है। अगर मुझे ये बोलना है दैट ए इज अबसेट ऑफ बी ठीक है सो दिस इज वॉट इज अ सबसेट सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है वन कॉमा टू और मेरे पास एक सेट है बी विच इज

अब मैं अगर सो दिस सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस ए इज अ सबसेट ऑफ बी ठीक है अब मैं अगर दूसरी साइड बोलना चाहती हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ बी बी इज अ सबसेट ऑफ ए इफ आई वॉन्ट टू आंसर दिसक इफ आई वॉन्ट टू आंसर दिस सो मैंने क्या देखा मुझे चेक करना है कि बी के सारे मेंबर्स ए में होने चाहिए राइट सो so वन है टू है थ्री नहीं है राइट थ्री नहीं है तो इसका मतलब क्या है बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सो द आंसर इज नो ठीक है अब इस तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है कि दो सेट्स जो हैं हमारे पास वो आपस में इक्वल होंगे व्हेन अब आप ये बताओ अगर बी भी ए का सबसेट हो जाता उसके लिए मुझे क्या चाहिए था कि ये जो थ्री नंबर है ये यहाँ पे भी हो राइट तब मैं बोल पाती दैट बी इज अ सबसेट ऑफ बी बी इज अ सबसेट ऑफ ए सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए में थ्री होता तो मैं क्या बोल पाती B is a subset of A और मैं ये भी बोल पाती that A is a subset of B बट जब मैं A और B को देख रही हूँ that mean, तो मुझे पता चल रहा है कि ये दोनों दोनों सेट्स इक्वल है राइट सो यहाँ से हमारी एक और प्रॉपर्टी जो है आ जाती है विच इज अगर आपको प्रूव करना है या आपको शो करना है कि कोई भी दो सेट्स इक्वल हैं तो आपके पहले क्या करते हो सो एज इक्वल टू बी सो सेट ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसे बी इज अ सबसेट ऑफ ए अगर ये दोनों कंडीशन आपने प्रूव कर दिए देन आप प्रूव कर सकते हो दैट ए इज इक्वल टू बी सो दैट सो चाहे ये मान लो या ये मान लो ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है ठीक है अगर आपने ये शो कर दिया दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी एंड दिस मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए ठीक है सो प्लीज रिमेंबर दिस कंडीशन ऑल राइट तो एक तो हमने सबसेट uh, देख लिया ठीक है आ, uh, लेकिन अब सबसेट के बाद एक और चीज आती है प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट ठीक है प्रॉपर सबसेट तो अब देखो अगर मेरे पास एक सेट है ए इक्वल्स टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री और एक दूसरा सेट है बी वन कॉमा टू कॉमा थ्री कैन आई से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी ए इज अ सबसेट ऑफ बी कैन आई से दैट कैन आई से दैट यस क्योंकि वन बी में है टू भी बी में है और थ्री भी बी में है ठीक है सो so ए के सारे के सारे मेंबर्स तो बी में है राइट सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी यस बट मैं क्या देख रही हूं ए सेट और बी सेट बिल्कुल इक्वल है राइट सो प्रॉपर सबसेट क्या होता है सो ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी राइट प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता कि ये ए जो है इसका बी का सबसेट तो है बट इसमें एक एलिमेंट है कम से कम एक एलिमेंट है जो अलग है ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी अगर ऐसा है देन आई कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ठीक है सो ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इसके लिए मुझे क्या शो करना पड़ेगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी अगर ऐसा है देन आई कैन से दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इज अ proper subset of B. ठीक है सो so, ये चीज आपने ध्यान रखनी है उसके अलावा नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक अबाउट बेसिक सेट ऑपरेशन जो आपको ऑलरेडी आई एम श्योर पता ही होंगे बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लेट्स लेट्स राइट देम डाउन सो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑपरेशन जो है क्या क्या हो सकते हैं सो so, मेरे पास एक ऑपरेशन होता है यूनियन ठीक है So, उसको मैं लिखती हूं ए यूनियन बी ठीक है ए यूनियन बी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी सो ए यूनियन बी में क्या होगा कि या वो सारे एलिमेंट होंगे जो या तो ए में है या तो बी में है या तो दोनों में है ठीक है सो इट इट विल कंटेन ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू एटलीस्ट वन ऑफ द सेट्स ए और बी कम से कम एक सेट कोई भी मेंबर जो ए यूनियन बी में है, इसका मतलब है अटलीस्ट वो कम से कम या तो ए में होना चाहिए या तो बी में होना चाहिए ठीक है दूसरा हमारा ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी है ठीक है एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू टू बोथ ये दोनों में होने चाहिए बोथ ए में भी होने चाहिए एंड बी में भी होने चाहिए ठीक है एक हमारा एक और ऑपरेशन है ए माइनस बी इसको लिखते हैं ए माइनस बी ए माइनस बी इसका क्या मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में तो है ए में होने चाहिए बट जो बी वाले मेंबर्स हैं वो आप हटा दो उसमें से ठीक है सो इसका मतलब क्या है द एलिमेंट्स द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट नॉट बी सो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में तो हो बट डी में नहीं होने चाहिए ठीक है So, कोई भी एलिमेंट जो ए में भी है बी में भी है वो ए माइनस बी का हिस्सा नहीं होगा ठीक है सो दिस इज ए माइनस बी ठीक है बेसिक सेट ऑपरेशन दैट वी हैव ठीक है अगर मैं इसको जो हमने ऊपर यू नो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करने के फॉर्म में लिखा तो अगर मुझे ए यूनियन बी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी इट इज अ सेट

अब मुझे a माइनस बी अगर लिखना है ठीक है तो मैं क्या लिखूंगी x सच दैट x a में हो एंड x b में नहीं होना चाहिए सो so ये जनरल uh, नोटेशन के टर्म्स में आप a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b और a माइनस बी को लिख सकते हैं ठीक है अब मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल वी हैव एन एग्जाम्पल ए इज वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है B is थ्री सिक्स अब मुझे इसके लिए ये सारी चीजें निकालनी है A यूनियन B A इंटरसेक्शन B A minus B एंड B minus A ये चार चीजें अगर मुझे निकालनी है तो हम क्या करेंगे A यूनियन B सबसे पहले तो हमें निकालना है ठीक है A यूनियन B तो A यूनियन B में क्या होना चाहिए वो सारे एलिमेंट्स जो या तो A में हो या तो B में हो ठीक है एटलीस्ट एक में भी होंगे तो हम डाल सकते हैं ठीक है So, ये क्या हो जाएगा ए यूनियन बी में वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है हमने देखा थ्री तो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है और हमारे पास एक नंबर बच गया सिक्स तो सिक्स ठीक है सो ए यूनियन बी में ये सारे के सारे मेंबर्स हमारे पास आ जाएंगे ठीक है ओके okay. अब मेरे पास दूसरा चीज क्या है मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो बी में भी हो और ए में भी हो ऐसा कौन सा मेंबर है So, सिर्फ थ्री ऐसा मेंबर है जो ए में भी है और बी में भी है ठीक है सो ये वाला सेट मेरा क्या हो गया थ्री राइट right? मुझे उसके अलावा फिर क्या करना है ए माइनस बी सो वो सारे ए के एलिमेंट्स जो ए में तो हो बट बी में ना हो सो ये या सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए में है बट बी में जो बी में नहीं होना चाहिए सो so, बी में थ्री है और थ्री यहाँ पे भी है तो so, थ्री को आप रिमूव कर दो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में होने चाहिए बट बी में नहीं होने चाहिए तो ये वाला एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया तो मेरे पास क्या बच गया आई हैव एंड राइट अब सिमिलरली अगर मुझे बी माइनस ए निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सारे एलिमेंट्स जो बी में तो है बट ए में नहीं होने चाहिए सो तो बी के जो एलिमेंट्स ए में है वो मुझे रिमूव करने पड़ेंगे तो ए में मेरे पास मेंबर है थ्री तो मैं यहाँ से थ्री रिमूव कर दूंगी तो मेरे पास सिर्फ क्या बच जाएगा सिक्स एंड दिस इज B माइनस ए ठीक है सो so, इस तरीके से आप अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो और ये हमने उनका मीनिंग देख लिया है उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अगर प्रॉपर्टी फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करना है और हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया है ठीक है अब एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, ठीक है दो सेट्स दो मेरे पास सेट है अगर उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है कुछ भी कॉमन नहीं है ए एंड बी हैव नथिंग इन कॉमन दे हैव थिंग इन कॉमन नथिंग इन कॉमन अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी विल बी वॉट फाइ फाई का मतलब होता है नथिंग कुछ भी नहीं ठीक है सो फाइ इज नथिंग बट फाइव इज नथिंग बट नथिंग सो ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग एम टी सेट ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं एम टी सेट So, जब आप इंटरसेक्शन करो और कुछ भी ना आए तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइ से इसका नाम है फाइ ठीक है और फाइ का मतलब होता है एम्प्टी सेट ऐसा सेट जो खाली है जिसमें कोई मेंबर नहीं है ठीक है सो सेट क्या बोलेंगे फाइ इज एन एम्प्टी सेट मतलब सेट विच हैज हैज नो मेंबर्स नो एलिमेंट्स या मेंबर्स ठीक है सो so, अगर मेरे पास दो सेट्स हैं जिसमें जिसका इंटरसेक्शन फाइव है तो वो जो दो सेट्स हैं उनको क्या बोलते हैं दैट सेट एंड बी आर डिसंट डिसंट मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है यूजली so, फैमिली के लिए ये टर्म यूज होती है द फैमिली इज डिस्ट वो आपस में कनेक्टेड नहीं है ठीक है सो so, ए और बी हमारी जो सेट है वो भी डिस ज्वाइंट है उनके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है ठीक है इट right. और सो so जैसे हमने यहां पे देखा एक टर्मिनोलॉजी है फाइव मतलब एम टी सेट ऐसे ही एक और टर्मिनोल टर्मिनोलॉजी है विच इज दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट ठीक है सो सारे के सारे यूनिवर्सल uh, सेट क्या होता है यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट ऑल दी अदर सेट्स आर अ सबसेट ऑफ अ पर्टिकुलर सेट पर्टिकुलर से ठीक है सो जो भी सारे सेट्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सेट के सबसेट होते हैं ठीक है वो जो पर्टिकुलर सेट है वो फिक्स्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल सेट तो अभी आप बोलोगे कि सारे के सारे सेट्स जो हैं एक ही उसके सबसेट हैं तो वो तो फिर एक सिंगल होना चाहिए बट ये जो यूनिवर्सल सेट होता है इसकी इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इट वेरीज फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट जैसे अगर हम लोग अः बात करें कि सेट ऑफ ऑल फीमेल्स 18, सो so वो सारे फीमेल्स uh, जो एटीन ईयर्स के हैं उन सबका सेट जो होगा उसको हम लोग यूनिवर्सल बोल देंगे फिर उस पर हम आगे चीजें चीजें करते रहते हैं कि ऑल द फीमेल्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सल सेट वो मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया उसमें से कि कौन स्कूल जा रहा है कौन जॉब कर रहा है तो वो सब यूनिवर्सल सेट के सबसेट हो जाते हैं ठीक है सो सो हमारा यूनिवर्सल सेट जो है इट इज अ सेट जो एक फिक्स सेट है जिसके बाकी सारे सेट सबसेट होते हैं सो so, ये डेफिनेटली कॉन्टेक्स्ट या आपकी सिचुएशन के हिसाब से जो यूनिवर्सल सेट है वो वेरी होता रहता है ठीक है तो जैसे मैं कुछ भी डिफाइन कर सकती हूँ लेट से आई से दैट माई यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है वन टू थ्री फोर एंड फाइव अब मैं अगर आपसे पूछू कि मुझे यूनिवर्सल सेट के क्या क्या पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं तो वो बताओ तो मुझे क्या करना है इसके क्या क्या सबसेट हो सकते हैं वो मुझे बताने ठीक है सो दिस इज माई यूनिवर्सल सेट ओके तो अगर अब ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया अब हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ठीक है तो अब मैंने देखा कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट है विच इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट ठीक है ए इज एज अट ऑल द सेट्स विल बी ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब जो ऑल पॉसिबल नंबर्स या मेंबर्स हो सकते हैं उसका सेट जो है हमारा यूनिवर्सल सेट होता है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट सो अगर ए इज अ ऑफ़ यूनिवर्सल सेट ठीक है देन इफ आई डू यूनिवर्सल सेट माइनस ए ठीक है यूनिवर्सल सेट माइनस ए को मैं क्या बोलूंगी कि वो सारे मेंबर्स जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट ए में नहीं है सो so ए हट गया ए में नहीं है बाकी सारे जो मेंबर्स बच गए उनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इन द यूनिवर्सल सेट ठीक है सो so इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट या फिर ए बार ठीक है सो so, जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट अगर रिटर्म करना है कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है इसके लिए आपके पास सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए ठीक है इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू डिफाइन यू नो यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू डिफाइन ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ठीक है सो so, जैसे मेरा अगर यूनिवर्सल सेट है वन टू थ्री फोर फाइव और मेरे पास अगर एक सेट है ए विच इज वन एंड टू वन कॉमा टू ठीक है अब किसी ने मुझसे पूछा कि आप बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस ए इसका क्या मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे के सारे मेंबर्स माइनस ए मतलब वो सारे मेंबर्स इन यूनिवर्सल सेट जो ए में नहीं हो। बस मुझे वो चाहिए सो so ए में क्या क्या है ए में है मेरा वन एंड टू सो वन टू हटा दो उसके अलावा जो बचा वो मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट दिस इज नथिंग बट थ्री फोर एंड फाइव ठीक है सो so ए हो गया वन टू और ए कॉम्प्लीमेंट हो गया थ्री फोर फाइव अब आप देखो जब आप ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लोगे तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास यूनिवर्सल सेट राइट ए कॉम्प्लीमेंट और ए का जब आप यूनियन ले लोगे सो दिस इज ए दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव का सेट विच इज नथिंग बट माई यूनिवर्सल सेट ठीक है सो इस तरीके से हम लोग Uh, what I I will have, वॉट आई विल हैव ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन एनिवर्सल ठीक है So ये हमारे काफी अलग अलग तरीके के जो है concepts हो गए अब सेट्स को बहुत अगर आप अच्छे से रेप्रेजेंट करना चाहते हो देन देर इज अ वेरी नाइस वे टू different डिफरेंट of ऑफ अ सेट एंड वे वी represent इट इज थ्रू द यूज ऑफ वेन डायग्राम्स सो आई एम श्योर कभी आप लॉजिकल रीजनिंग या इस तरीके की चीजें करते हो तो आप वेन डायग्राम का यूज करते हो सो सेन डाय यूज करके रेप्रेजेंट कर सकते हो सो वेन डायग्राम्स सो काफी सारी चीजें हैं जिसको आप यू नो मैथमेटिकली प्रूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बट अगर आप वेन डायग्राम्स का यूज करो तो देन इट बिकम्स वेरी सिंपल ओके सो एक एक में, में अगर मैं कुछ फिगर्स ड्रॉ करके सेट्स को रिप्रेजेंट करूँ तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम ठीक है सो लेट्स मेरे पास दो चार चीजें हैं जैसे दो चार चीजों का मतलब है दो चार स्टेटमेंट्स हैं लेट्स सी मुझे किसी ने ये स्टेटमेंट बोली is a subset of A. अगर मुझे वो कैसे करूंगी इस statement का मतलब क्या हो गया इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया C के सारे के सारे जो members हैं, वो A में है But ऐसा जरूरी नहीं है कि A के सारे members C में भी हो अगर ऐसा होता तो we would have written A इज इक्वल टू सी बट इन्होंने क्या लिखा है कि सी के सारे के सारे मेंबर्स ए में ठीक है थीके? तो मैं क्या करती हूँ दिस इज माई सेट सी से दिस इज माई सेट सी ठीक है एस इज माई सेट एंड दिस इज माई सेट सी तो इससे क्या रेप्रेजेंट हो रहा है कि ये जो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है ये जो सी के अंदर जो भी एरिया है दैट इज ऑल द ऑफ सी ठीक है और ये जो ए के अंदर सर्कल में जितने भी मेंबर्स है दे आर अ पार्ट ऑफ ए ठीक है तो इस डायग्राम का यूज करके मैं क्या दिखा रही हूँ कि सी के सारे के सारे मेंबर्स ए के भी पार्ट पार्ट हैं ए के भी मेंबर है बट कुछ कुछ पार्ट है ए का जो शायद सी में ना हो राइट सो दैट इज वाई वी डिंट सेट ऑफ ए So, इस सिचुएशन को इस पर्टिकुलर सिचुएशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ठीक है ए इज अ सी इज अ सबसेट ऑफ ए ठीक है अब मेरे पास दो तीन सिचु दो तीन हम और ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे ठीक है अगर किसी ने मुझे ये स्टेटमेंट दी दैट ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव इसका मतलब क्या है ए इंटरसेक्शन बी आपने किया तो वो आ गया एम्प्टी सेट इसका मतलब ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं ए और बी में कॉमन कुछ भी नहीं है तो आप इस सिचुएशन को वेन डायग्राम का यूज करके कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो हम लोग क्या कर सकते हैं है? okay, ऐसे करूं अगर मैं ऐसे करूं दिस इज माई सेट एंड दिस इज माई सेट बी अगर मैंने ऐसे किया तो इसका मतलब क्या है ये सेट ए है ये सेट बी है और ये जो बीच का कुछ एरिया है ये इनका कॉमन है बट अकॉर्डिंग टू दिस दिस कॉमन एरिया इज नथिंग लाइक कोई कॉमन एरिया नहीं है अगर ऐसा नहीं दिया होता तो मैं इस तरीके से लिखती बट इन्होंने क्लियरली मुझे दे दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव तो फिर मैं किस तरीके से करूंगी कि मेरा जो सेट बी है और मेरा जो सेट है ए है उनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरे को सेट ए और सेट बी इस तरीके से बनाना पड़ेगा जिनका कॉमन एरिया कुछ भी ना हो ठीक है अब किसी ने अगर आपको दे दिया दैट ए यूनियन बी आपको रिप्रेजेंट करना है आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे सो so सपोज मेरे पास अगेन आई विल आई विल सी दैट लेट से दिस इज माई सेट ए एंड जब भी आपको कुछ स्पेसिफिक शो करना है तब आप उस हिसाब से करो बट आपको अगर जनरल चीज शो करनी है जैसे मुझे ए यूनियन बी शो करना है तो आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चलो कि वेरी लाइकली है कि हाँ आपस में इंटरसेक्शन हो इंटरसेक्शन ना हो ना इज अ रेयर इवेंट इंटरसेक्शन होना इज वेरी नॉर्मल सो मैं क्या करूंगी मेरा डायग्राम में इस तरीके से बना देंगे ठीक है सो दिस इज माई ए यूनियन ए और बी को मैंने इंटरसेक्ट करा दिया अब मुझे ए यूनियन बी कौन सा रीजन है वो शो करना है सो ए यूनियन बी इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स या तो ए में हो या तो बी में हो और दोनों में भी हो सकते हैं ठीक है सो so, मैं अगर uh, करने जाऊं ड्रॉ तो मेरा कौन सा एरिया होगा ए में हो गए इंटरसेक्शन में भी हो सकते हैं और बी में भी अलाउड है सो so, ये पूरा का पूरा जो शेडेड ब्लू शेडेड रीजन है ये पूरा का पूरा क्या हो गया मेरा ए यूनियन बी दिस इज माई ए यूनियन बी ठीक है अब सिमिलरली अगर किसी ने मुझे बोला कि आपको आपको वेन डायग्राम्स का यूज करके शो करना है ए माइनस बी ए माइनस बी ठीक है इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मान लीजिए मेरे पास सेट ए है ये और सेट बी है ये ठीक है दिस इज माई सेट ए दिस इज माई सेट बी तो मुझे वो सारे मेंबर्स चाहिए जो ए में तो है बट बी में नहीं ए में तो है बट बी में नहीं चाहिए और बी वाले जो एरिया सेट हैं वो ये है तो so, मुझे वो सारे मेंबर्स चाहिए जो ए में है बट बी में नहीं है so, तो वो दर बी नथिंग बट दिस एरिया राइट सो आई विल शेड दिस एरिया सो दिस इज माई सेट ऑफ ए माइनस बी राइट सो ए में चाहिए बट बी में नहीं चाहिए सो दिस इज माई रीजन ए माइनस बी ठीक है इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं अलग वेन डायग्राम्स का यूज करके काफी सारी चीजों को अच्छे से यू नो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं ठीक है अब जाते जाते हम लोग क्या कर लेते हैं एक सिंपल फॉर्मूला जो है देख लेते हैं कि अगर आपको कई बार जो है काफी सारे चीजें दी होते हैं जैसे ओके बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन वन पॉइंट कि अगर मुझे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगी मेरे पास यूजुअली क्या होता है मैं एक रेक्टेंगुलर शेप से एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर देती हूँ यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट दिस इज माय यूनिवर्सल सेट ठीक है और फिर ये जो रेक्टेंगुलर रीजन है इसके अंदर अलग अलग सेट्स जितने भी होने चाहिए या जितने भी आपको चाहिए वो आप बनाते रहते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन ठीक है सो मान लीजिए मेरे पास सेट है ए दिस इज सेट ए दिस इज सेट ए दिस इज यूनिवर्सल सेट ठीक है तो अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट शो करना है वॉट इज ए कॉम्प्लीमेंट सो ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस ए मतलब वो सारे मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट जो ए में ना हो बस बाकी सारे तो हमारा ए जो है वो हो गया ये राइट right? ए के और हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया ये यूनिवर्सल सेट में मेंबर्स हो बट ए में ना हो तो वो कौन सा रीजन हो गया दैट विल बी दिस रीजन राइट इसको हटा के इसको छोड़ के जितना भी एरिया बचा वो पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट राइट सो ये पूरा का पूरा जो शेडेड ब्लू रीजन है ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ठीक है दिस इज माई ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है सो so आप ए कॉम्प्लीमेंट को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड यूजुअली जब भी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एक रेक्टेंगुलर रीजन से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है अब जाते जाते दो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जिनका काफी सारा यूज हो सकता है रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे अगर आपको बताना है नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए यूनियन बी सो कई बार आपको दिया होगा कि ए में पांच मेंबर हैं बी में तीन मेंबर हैं इसमें चार मेंबर हैं इसमें दो मेंबर हैं इस तरीके से आपसे चीजें पूछी जाएंगी और फिर आपसे अलग अलग चीजें जो है निकालने को वो बोल सकते हैं तो अगर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो वो क्या होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब ये आया कैसे जैसे कि आप देख लो कि अगर मेरे पास दिस इज माई सेट ए एंड दिस इज माई सेट बी ठीक है दिस माई सेट ए दिस माई सेट बी मुझे क्या निकालना है ए यूनियन बी में कितने मेंबर्स हैं ठीक है So, अगर ए में कितने मेंबर्स हैं अगर ए में पांच मेंबर्स हैं और बी में जो है बी पांच मेंबर्स हैं और इनमें जो कॉमन रीजन है उसमें मान लीजिए तीन मेंबर्स हैं ठीक है तो आपको ए यूनियन बी निकालना है ठीक है सो ए यूनियन बी इज नथिंग बट आप क्या आप क्या करना चाहते हो आप ये वाला एरिया निकालना चाहते हो एक तो ये वाला ये पूरा सर्कल एंड ये वाला एरिया भी सो so, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है पूरा का पूरा जो क्या किया नंबर ऑफ ए ए में कितने थे? तो एक तो ये वाला एरिया इंक्लूड किया, तो किया तो ये वाला जो एरिया था ये वाला ये दो बार मेरे पास काउंट हो गया सो so मुझे इसको एक एक बार रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैं एक्चुअल नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कितने मेंबर्स है वो निकाल पाओ ठीक है सो so, अब मैं अगर रीजन वाइज देखू कि ये वाला जो रीजन है ये वाला रीजन इसमें कितने मेंबर्स हैं इसमें कितने मेंबर्स हो गए मेरे पास सो so, टोटल में पांच थे इंटरसेक्शन में तीन है तो इस इसमें इस में मेरे पास दो मेंबर्स हो गए इसके अंदर मेरे पास तीन मेंबर्स हैं एंड सिमिलरली इसमें भी मेरे पास दो मेंबर्स हो गए अब आपको यूनियन में कितने मेंबर्स है वो निकालना है तो आप क्या करोगे टू प्लस थ्री प्लस टू विचेस सेवन ठीक है और इस फॉर्मूला का यूज करके अगर आप निकालोगे तो क्या होगा फाइव प्लस फाइव माइनस थ्री विच इज ऑल्सो सेवन ठीक है सो ये फॉर्मूला कैसे आया वो सिंपली हम वेन डायग्राम का यूज करके देख सकते हैं ठीक है सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है काफी बार यूज हो जाता है ठीक है उसके अलावा देर इज वन मोर फॉर्मूला कि अगर आपके पास तीन सेट्स हो अगर अभी यहाँ तो हमने दो सेट्स देखे थे क्या पता ऐसा सिचुएशन हो विच इज समथिंग लाइक दिस ओके सो दिस इज योर सेट वन दिस इज योर सेट टू एंड दिस इज योर लेट से आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी सो ये पूरा टोटल जो रीजन है इसमें कितने मेंबर्स है अगर वो निकालना है तो वो क्या होगा दैट विल बी नथिंग बट नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकालना है दैट विल नथिंग बट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी अब काफी सारा एरिया कॉमन भी आ गया होगा इसलिए हम रिमूव करते हैं माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और जब हम रिमूव कर रहे थे तो हमने कुछ ज्यादा ही रिमूव कर दिया तो फिर हमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी विच इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ठीक है सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ठीक है सो अगर मैं रीजन्स की बात करूं दिस इज ए दिस इज बी सो ये वाला जो एरिया है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी दिस इज बी एंड सी सो ये वाला जो एरिया है ये वाला दिस इज बी इंटरसेक्शन सी ठीक है दिस इज ए दिस इज सी सो दिस एरिया विल बी ए इंटरसेक्शन सी ठीक है और ये जो बीच वाला एरिया है छोटा सा इसमें ए भी है बी भी है और सी भी है सो दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सो ऐसे में जो तीनों में है ठीक है सो आपको इंडिविजुअली सारी चीजें जो है वह डायग्राम्स में आप देख सकते हैं ठीक है सो विद एन एंड ऑफ दिस लेक्चर ओके आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट एंड इट वॉज काइंड ऑफ अ रिफ्रेशर फॉर यू इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ आर यू नो एमी कोर्स सो इंट्रो पार्ट हमने कर लिया है अब धीरे धीरे हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल वॉट आर ग्राफ्स वॉट इज डोमेन वॉट इज रेंज ये सारे कॉन्सेप्टी विल स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ ऑन सो आई होप यू लाइक डिट एंड इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so i can you know i can be motivated and keep making such videos for you so i will see you in the next lecture till then take care have a nice day